अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक एंड अदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। ये देखकर कुछ लोग तो समझ गए होंगे नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, और जिन जिन को समझ नहीं आया उनको हम खुद ही समझा देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज हम जा रहे हैं जी अपने फिश फार्म पर मछली निकलवाने। दो तीन बार पहले ही निकलवा चुके हैं, जो बची कुची है वो भी निकालने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के कुछ लोगों ने हमें बताया है कि जो बची हुई है वो वहाँ के लोग चोरी छुपे मछली निकाल रहे हैं। तो हमने सोचा है जो अब बची हुई है वो हम निकलवा लेते हैं। तो सुबह सुबह के वक्त उठे, बाबू भाई भी आ गए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फोन करके हम तो परेशान हो गया यार, क्या मामला हो गया है, ये मामला कैसा है जो आज 4:30 सरदार का काल आ गया। हम गुलाम नौकर बंदा, हम मुलाजिम बंदा, हम तो ऊट के भाग भाग के आया है। देखो मोटरसाइकिल बाइक में आया है, ये बाइक है 1929 का है, आज का नहीं है। बाइक में आए हो, बाइक पर आए हो? बाइक में आए हैं, हम आए, हमें क्या ये लेके आए, हम इसको लेके आए, ये लूसी बाइक है हमारा। अच्छा, हमको इसको लेके आए हैं, इसमें तेल नहीं था। अच्छा, ये खखड़ ने तेल भी सस्ता नहीं किया, बोला मैं 100 रुपया उतारूंगा, 100 रुपया उतारूंगा। हाँ, ये 100 रुपया क्या है, हम गरीब बंदा तो आधा में पड़ गया है। बस बस, खैर गुस्सा नहीं करो। गुस्सा कैसे नहीं करे, सिमरी पे सही क्यों नहीं किया इसने। खैर खैर खैर, अब चलो नाश्ता करो, चलो। कंट्रोल कंट्रोल, पहुंच गए जी फिश फार्म पर। ये चारों तरफ हमारी जमीन है, यहाँ से स्टार्ट होती हैं जी सीधा वो सामने जो दरख्त हैं वहाँ तक। चाचू वालों की ये हमारी ये मिक्स हैं, और ये ज़मीनों के बीचों बीच फिश फार्म है। मछली निकलवा कर गाड़ी में लोड करा दी जी। गाड़ी वो आगे, मैं थोड़ा पीछे रह गया हूँ, अभी जा रहा हूँ, फिर आपको दिखाते हैं कैसे गाड़ी में हमने लोड करवाई है। गाड़ी की डिक्की में फुल करवा दिए डिक्की, तो अभी जा रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और अभी जाएंगे सादकाबाद, सादकाबाद में मंडी है, सादकाबाद फिश की मंडी है, और वहाँ जाएंगे, वहाँ की मंडी भी आपको दिखाएंगे। चलो जी, फिर मिलते हैं। अभी जा रहे हैं जी सादकाबाद की तरफ, रवाना हो चुके हैं, गुड्डू बैराज क्रॉस कर गए हैं, अभी जा रहे हैं सादकाबाद फिश की जो मंडी है, बड़ी मंडी सादकाबाद में, वहाँ जा रहे हैं जी। खालिद भाई भी साथ है, अनस भाई भी है, बाबू भाई वैसे भी था साथ, और अभी जा रहे हैं, आपको फिर वहाँ पहुँच कर मंडी भी दिखाते हैं।
दादी आप लोग भी यहाँ पर ऐसे ही गोलियां लगती हैं। अभी हमारी चाय भी आ गई है, चाय पिए फिर आपसे मिलते हैं। काली भाई जी सर, देख रहे हो इधर का माहौल? जी सर बिल्कुल देख रहे हैं, पता है मिला भाई और कालिक भाई भी गोली लगा रहे थी। आ जाओ हरी चो जी। साथ का बाद शहर में देखते हैं, खालिक भाई कुछ शॉपिंग करेंगे, खालिक भाई को कुछ सामान लेना है। खालिक भाई क्या लेंगे? सर जो कुछ मिला वो कुछ लेंगे। हाँ वो शॉप खोल रहे हैं ना, डेयरी शॉप, उसके लिए कुछ सामान वगैरह लेंगे। अब देखते हैं खालिक भाई क्या लेते हैं। चप्पल उठना आचो, ये लेगा वैसे नहीं लेगा, मुझे पता है। देखते हैं देखते हैं जी, जो मैंने कहा था नहीं लेगा, नहीं लेगा नहीं लेगा, ये मुझे पता है इसका। नहीं भाई तुम्हें दिखाऊंगा, ये वैसे ही घूम घूम कर हमें फिर से वापस ले जाएगा घर की तरफ। नहीं नहीं लेते हैं, ये देखो भाई हालत की हालत में लेके आए हो यार, हम छोड़ो यार। एक भाई ने तो ले लिया, लेकिन मैंने जो कहा था वो अनस भाई ने कुछ नहीं लिया, खालिक भाई ने वो कांटा ले लिया है, वेट वाला कांटा ले लिया है। वेट वाला कांटा है ना ब्रो? जी सर जी। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू सर। अनस भाई आप 65 किलो में? पूरा 65। अनस भाई का वेट जो है 65 है। अभी वापस जा रहे हैं जी घर की तरफ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? रिलैक्स थी ना। अभी वापस क्यों जा रहे हैं? तू बता दो कि मच्छी खराब नहीं है यार। अभी वापस जा रहे हैं जी घर की तरफ, काम वगैरह हमारा कंप्लीट हो गया, जो जो काम था सारा कर लिया, जो जो भाई ने शॉपिंग करनी थी कर ली, अपने लिए की, अपनी बेटी के लिए की और अपने बेटे के लिए भी की माशाल्लाह, और हमारी भाभी के लिए नहीं की, ये हमें दुख रहेगा। और अनस भाई ने कुछ नहीं लिया जो मैंने कहा था, वही कुछ नहीं है भाई, ये झूठ बोल रहा है वो भाई। आपकी वाइफ नहीं है? नहीं भाई, अनस ने कुछ भी नहीं लिया, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पेकू है, पेकू राड़ी, पेकू नहीं लिया। अभी जा रहे हैं जी वापस घर। हाँ बाबू भाई ने भी शॉपिंग की है सर। शावर तो क्या लिया है भाई? दो पंप लिया है। कौन सा पंप? सोशल, ये एक गैस वाला पंप लिया है जी, दूसरा ये ब्लोअर लिया जो हवा देता है सारे सब चीजों को, सब चीजों को, मिट्टी वगैरह को चांद देता है। रास्ते में जी हमें बोर्ची भी मिल गया था, जान पहचान वाला था, तो हमने उसको फिश निकाल के दी। जब तक हम वापस आए आप हमें वीआईपी तरीके से ये फिश तैयार करके दें, तो अभी वापसी टाइम वो भी उठाएंगे। हमने सोचा दोस्तों को, रात को जो दोस्त आते हैं उनको फिश वगैरह खिलाएं तो सही, नहीं तो वो नाराज़ हो जाते, तो इसलिए हम वापसी टाइम वहाँ से फिश भी लेते जाएंगे उनसे, वो भी आपको दिखाएंगे कि फिश कैसी तैयार हुई है। मिलते हैं। मछली लेकर आ गए हैं जी, मछली पक गई थी और दोस्त भी आ गए हैं। ये मछली है साहब, ये मछली है। दूसरा पीस किधर है? ये घर लेके जाओगे ना इधर?
चलो जी बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह।